हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिथौरा में दबंगों ने घर में घुसकर की छेड़छाड़, झोपड़ी में आग लगाई, विरोध करने पर चाकू से किया हमला, इंसाफ की मांग। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिथौरा की रहने वाली महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया है। उसका आरोप है कि मोहल्ले की रहने वाले शिवदयाल पुत्र श्यामलाल गुड्डू, सूरज कृष्ण पाल पुत्रगण शिवदयाल, धाराजीत पुत्र शिवा पुत्रगण, ओम प्रकाश चोरावर पुत्र नत्थू निवासी धमपुर, छह लोग उसके घर में घुस आए और उसके साथ छेड़छाड़ बदतमीजी करने लगे। जेठानी रामप्यारी गर्भवती थी, उनको भी मारा। 2-7-3-2-0-2-4 को दबंगों ने झोपड़ी में आग लगा दी, जिसका उसने विरोध किया तो दबंगों ने चाकू मार कर उसे घायल कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी शिकायत उसने थाना पुलिस से की, लेकिन थाना पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसएसपी बरेली ने तत्काल थाना पुलिस को मामले में जांच के बाद कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने महिला को मारा चाकू, मामले की एसएसपी से की गई शिकायत। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। थाना कहाँ रहती हूँ? थाना। तो आज आप शिकायत करने एसएसपी ऑफिस आई, क्या है शिकायत? शिकायत ये है, हमारी किसी ने सुनी नहीं और गुड्डू शिवदयाल और धाराजी और जोरावर और शिवा और सूरजपाल गुरसेन और इन लोगों ने हमारे मारा तोड़ा और क्या रंजिश है उनसे? पहले मुकदमा कराया था, लड़ाई हो गई, पहले मुकदमा करा था, वो ये कहने लगे कि मुकदमा अपना साली किया, गहलो वापस ले, नहीं तो मैं तुझे गहलो मारा तोड़ा। कब की घटना है? थाने गई आप? किसी ने नहीं सुनी थाने, चौकी भी गए तो किसी ने नहीं सुनी। कितने लोगों को मारा है? हमारी जेठानी है और हमारे घर में आग लगा दी परसों। तो क्या चाहती है उनके खिलाफ? हम उनके खिलाफ ये चाहते हैं हमें देवली न्याय दो और उन लोगों को पकड़ा जाए, उन्हें सजा हो।